अरे भाई आज की वीडियो काफी कमाल की और काफी यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की फोटो एडिटिंग नहीं, आज की वो होने वाली वीडियो एडिटिंग, वो भी पिक्सार ऐप पर। तो कैसे मेरे भाई, आपको डिटेल में वीडियो सिखाऊंगा। आपको वीडियो एडिटिंग करने का न्यू अपडेट आ चुका है, उस पर आपको HSL वगैरह आप वीडियो को कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जैसे फोटो एडिटिंग कर सकते हो, अब आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो पिक्सार ऐप पर। तो वो कैसे कर सकते हो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, और आपको वीडियो को कलर ग्रेडिंग कैसे करना है सारा कुछ सिखाऊंगा, वो भी पिक्सार ऐप की मदद से। अब कोई मतलब सब ऐप अब HSL का टूल दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का टूल दे रहे हैं, तो मेरा भाई पिक्सार्ट कैसे पीछे रह सकता है। तो मेरा भाई पिक्सार्ट ने भी अब लॉन्च कर दिया है उनका एकदम HSL वाला टूल, जिससे आप वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वो वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि तुम्हारा भाई को मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से जेन्युइन कंटेंट लाता रहता है। और कुछ न्यू सीखना है, और आपको अगर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग सारा कुछ, फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में सीखना है, तो मेरा भाई कोई नया भाई आ गया हो तो चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि तुम्हारा भाई जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और सबसे पहले आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग सीख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ पूछना चाहते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम का यूजर नेम यही कही है, तो फॉलो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो चलिए आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको पिक्सार्ट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, जो अभी नया आया हो तो वो डाउनलोड कर लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे ऐप को ओपन करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको यहाँ से वीडियो कैसे चूज करना है वो मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आपको दिखेगा एडिट फोटो एडिट वीडियो, ये आपको क्या करना है, एडिट वीडियो पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से क्या करोगे, एडिट वीडियो पर क्लिक करते ही जैसे आपके सामने कुछ वीडियो ओपन होंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला वीडियो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जिससे मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा, है ना। तो ये वाला मैं वीडियो सिलेक्ट कर लिया है, एड पर क्लिक करूँगा। एड पर क्लिक करने के बाद मेरा भाई क्या होगा कि आप ये सीधे ही फोटो सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो पर टैप करते ही आपके वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा, तो देख सकते हो आप यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो जैसे कि वीडियो प्ले हो रहा है, देन आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल वीडियो है, तो इसे हम करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो इसे हम इस तरीके से रोक लेंगे, देन आपको नीचे कुछ टूल दिखेंगे, क्रॉप, तो वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, एडिट क्लिप यानी एडिट क्लिप पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, क्लिप को मतलब क्रॉप वगैरह स्लेप बीच में से कटआउट कर सकते हो यहाँ से। तो ये ऑप्शन इसलिए मिल जाता है, सीधे आपको यहाँ पर कहीं पर भी HSL का टूल नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एडजस्ट दिखेगा, एडजस्ट पर हम क्लिक करेंगे। एडजस्ट क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट की वीडियो में आप इस तरीके से ज़्यादा दिख रहा हो कम कर सकते हो, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो हम इससे क्या करेंगे, हल्का सा बढ़ा लेंगे प्लस 15, कॉन्ट्रास्ट को हम क्या कर लेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे इसे 9, इसे थोड़ा सा हम इसे प्ले कर लेंगे, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सही से दिखेगा, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपका वीडियो थोड़ा सा फीका लग रहा हो तो सैचुरेशन को इस तरीके से आप बढ़ाकर थोड़ा सा कलरफुल कर सकते हो। तो देख सकते हो आपकी वीडियो का बैकग्राउंड इस तरीके से कलरफुल हो जाएगा। देन आपके इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर हाईलाइट को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो वीडियो में। तो इसे हम कर लेंगे प्लस 6, शेडो को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, तो शेडो देख सकते हो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसे हम थोड़ा सा माइनस कर लेंगे 7, और थेम्प भी आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आप थेम्प को भी एडजस्ट कर सकते हो, थेम्प को एडजस्ट करने को कर सकते हो। तो हम प्लस 3 भी कर लेंगे, वो मेन आ जाते हैं HSL वाला टूल पर। तो ये मेरे भाई वीडियो को कलर ग्रेडिंग काफ़ी अमेजिंग करेगा। तो फर्स्ट वाला आपको फेस मिल जाएगा, तो फेस के लिए आपको क्या करना है, इसे आपको एडिट करना है फेस को थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसे -20 कर लेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को हम इस तरीके से -26, और लाइटनेस को हम 13 कर लेंगे प्लस, और सेकंड ऑरेंज वाला पर क्लिक कर लेंगे, तो ये भी आपको मिल जाएगा फेस के लिए एडिट करना। तो आपको प्लस 11 कर लेना है, सेकंड को आपको कर लेना है -15, और लास्ट वाले को कर लेना -11। इतना हो जाने पर आपको येलो वाला टूल पर आ जाना है, आपका वीडियो का बैकग्राउंड अब चेंज होगा। तो देखना आपके पिक्सार्ट ऐप पर ही आपका वीडियो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो ये देख लीजिए, पहले देख लीजिए आप देख सकते हो आपका, तो हम येलो वालों को क्या कर लेंगे -61 कर लेंगे, और सेकंड वाले को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे 67, और लाइटनेस को हम क्या करेंगे इस तरीके से प्लस 11 कर लेंगे, ग्रीन वाले टूल पर क्लिक कर लेंगे। देन आवा देते हैं तो इसे -75 कर लेंगे, और इस तरह कर लेंगे हम 59, और लास्ट वाले को हम कर लेंगे इस तरीके से
-98 तो देख सकते हो इतना होने वाला। आपको ओके करना, ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो क्या करना है तो देख लीजिए। आपका वीडियो काफ़ी कलरफुल हो चुका है यार, आपका देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग हो चुका है वीडियो, तो काफ़ी मस्त तरीके से अब आप इस पर भी वीडियो कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। किसी एप की जरूरत नहीं है, आप पिक्सआर्ट ऐप पर भी अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा ट्यूटोरियल, और आपको एक्सपोर्ट करना है सेव पर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोसेसिंग होने लग जाएगा और 100% हो जाएगा। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ न्यू टॉपिक पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।